हाय फ्रेंड्स, आई एम चिराग डगली और आज हमारे साथ है नितेश ताला, जो स्मार्ट लेबोरेटरीज के चेयरमैन और एमडी हैं। आज हम जानेंगे स्मार्ट लेबोरेटरीज की बेहद इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में। चलिए नितेश सर, ये बताइए, व्हाट इज स्मार्ट रिवैम्प? यस, स्मार्ट रिवैम्प मीन स्मार्ट रीबिल्ड, स्मार्ट रिकंस्ट्रक्ट। मैं थोड़ा बैक में लेते चलता हूँ आपको। ईयर 2021-22 जिस समय पे स्मार्ट लेबोरेटरीज की टीम ने 300 करोड़ का बिजनेस किया था, उसके बाद कंपनी में सेपरेशन हुआ। इन बाय दैट सेपरेशन 120 करोड़ के बिजनेस पोर्टफोलियो को किसी और कंपनी में ट्रांसफर किया गया, सो दैट स्मार्ट लेबोरेटरीज के पास या तो स्मार्ट टीम के पास जो बिजनेस पोर्टफोलियो रहा वो रहा 180 करोड़। फिर उसी 180 करोड़ से हम लोगों ने वापस ये वर्जन 2 की जर्नी शुरू की और पहले ही साल यानी कि पिछले साल उसी 180 करोड़ के ऊपर 92 करोड़ का बिजनेस ग्रोथ यानी कि 51% बिजनेस ग्रोथ के साथ 272 करोड़ का बिजनेस हमने अचीव किया। बात करते हैं ये करंट ईयर के जो अभी ये मार्च में पूरा हो रहा है, इसी साल यदि हम देखें तो उसी ही 272 करोड़ के ऊपर मोर देन 50 करोड़ का ग्रोथ हमने डाला और वो 50 करोड़ का ग्रोथ यदि उसमें ऐड करते हैं तो करंट ईयर यानी कि मार्च 24 तक और इसी साल का हमारा जो बिजनेस फिगर होगा दैट विल बी 320 करोड़ से भी अधिक हो जाएगा। आज देखिए, जिस समय पर यह सेपरेशन हो गया उस समय पर बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि नितेश भाई, वापस स्मार्ट लेबोरेटरीज को खड़ा करने में आपको 5 साल का समय लग जाएगा, किसी ने कहा 4 साल का समय लगेगा, किसी ने कहा 3 साल का समय लगेगा। पर आज मैं प्राउड और गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि स्मार्ट लेबोरेटरीज की टीम ने विद इन 2 ईयर जस्ट 2 साल के भीतर ही जहाँ पर स्मार्ट लेबोरेटरीज थी उससे भी आगे निकल गई। और इसी मोमेंट पर जो भी लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस हमारी सफलता दिलाने में जिसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन यानी योगदान है, उन सभी लोगों का मैं इस समय पे शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। विशेष रूप से हमारे सभी सप्लायर, हमारे CF है, हमारे सभी स्टॉकिस्ट, केमिस्ट एवं डॉक्टर्स एंड कंज्यूमर के जिन लोगों ने स्मार्ट लेबोरेटरीज के प्रति एक भरोसा रखा और यही एक ट्रस्ट और भरोसे की वजह से आज हम ये चीज़ अचीव कर पाए, सो दैट मैं कहूँगा कि स्मार्ट रिवैम, हम दोबारा मजबूत जहाँ पर थे वहाँ पर पहुँच गए। ओके, ये तो समझ गए कि स्मार्ट रिवैम का नाम आपने स्मार्ट रिवैम क्यों रखा है। ये जो सेपरेशन हुआ, ऑलमोस्ट 40% का बिजनेस जो है वो किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, तो कैसे, किस तरह के चैलेंजेस आपको इस पूरे प्रोसेस में आए? देखिए चिराग भाई, चैलेंजेस तो कई सारे थे पर उसमें जो मेन चैलेंजेस थी उसकी मैं बात करूँ तो मेरे लिए ये चुनौती थी टू कंट्रोल द फ्रस्ट्रेशन ऑफ स्मार्ट टीम। क्योंकि आज देखिए, जो 120 करोड़ का बिजनेस किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र होना वो एक डिसीजन मैनेजमेंट का डिसीजन था, उसमें कहीं पर हमारे स्मार्टियन यानी हमारी टीम का कोई कसूर था नहीं। पर हाँ, ओबियस आज मेरी टीम उन 120 करोड़ का जो बिजनेस पोर्टफोलियो था और उसमें जो भी प्रोडक्ट्स थे उसी प्रोडक्ट के साथ मेरी टीम एक इमोशन के साथ जुटी हुई थी। आज उसी प्रोडक्ट का जन्म कराने का काम स्मार्ट टीम ने किया था, उसी प्रोडक्ट का नामांकन यानी कि कौन सा ब्रांड नेम होना चाहिए वो ब्रांड नेम देने का काम स्मार्ट टीम ने किया, उसके कपड़े यानी ड्रेस कोड किस तरह का, पैकिंग कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सारी चीज़ें स्मार्ट टीम ने तय की थी। उसके बाद उन प्रोडक्टों को लॉन्च स्मार्ट टीम के द्वारा किया गया था। तो आप समझ सकते हो कि जब इतना एक इमोशन किसी टीम का किसी प्रोडक्ट के साथ हो और वो प्रोडक्ट किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाए तो परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि किसी बच्चे को उसकी माँ के हाथ से छुड़वाना और जो एक पेनफुल जो स्थिति निर्माण होती है ना, उसी तरह की स्थिति स्मार्ट टीम की थी। क्योंकि देखिए, ये जो भी प्रोडक्ट्स थे वो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हमारी स्मार्ट टीम की अर्निंग में उनका बहुत एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो आज कहीं ना कहीं उसका असर भी उसके
अर्निंग पे यानी कि उनके इंसेंटिव या तो उनकी कमाई पे पड़ने वाला था। तो पूरी ये स्मार्ट की टीम जो है एक फ्रस्ट्रेशन में थी और हम ये फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने में भी सफल हुए। और वो सफल होने का यदि कोई मुख्य और स्ट्रॉन्ग कारण है तो स्ट्रॉन्ग कारण ये है, मेरा और मेरी टीम के बीच में जो एक ट्रस्ट का बॉन्डिंग है, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की जो एक धाराएं है, उन्हीं के आधार पर इसी चीज़ को हम ओवर करने में सफल हुए। मुझे मेरे अनुभवी योद्धा पे पूरा विश्वास था और मेरी टीम को नितेश ताला वर्जन 2 की लीडरशिप के ऊपर भरोसा था। सो बाय दैट वे ये हमने कंट्रोल कर लिया। तो नितेश सर, इतना ज़बरदस्त ग्रोथ इतने कम समय में स्मार्ट की टीम ने कैसे अचीव किया? मैं स्मार्ट ग्रोथ की बात करूँ उससे पहले मैं कुछ इंडिया की बात करूँगा, कुछ फार्मा इंडिया की बात करूँगा। देखिए चिराज भाई, हमारा यदि भारत का यानी कि इंडिया का यदि जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जो 7-8% से आगे जा रहा है, और वो भी एक अपने आप में अच्छा कहलाता है। फार्मा इंडिया की बात करें तो 9-10% ग्रोथ के साथ फार्मा इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं स्मार्ट इंडिया। स्मार्ट इंडिया और स्मार्ट लेबोरेटरीज ने 16 साल पूरे करे, और इन्हीं 16 साल की पूरी थ्रू आउट जर्नी को यदि आप देखें तो स्मार्ट लेबोरेटरीज ने मोर देन 25% का ग्रोथ एवरी ईयर ऑन एन एवरेज लिया है, जो ये हमारी जीडीपी से भी अधिक है, फार्मा इंडिया से भी अधिक है। देखिए स्मार्ट लेबोरेटरीज में जो सबसे बड़ी बात है कि जो हम अजमाते हैं और जिसी को लेकर हम चलते जा रहे हैं, वो है बी द मूवमेंट मेकर। हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ मूवमेंट कंटिन्यूस बनाकर चलते हैं, यानी कि मार्केट में वाइब्रेशन को थमने नहीं देते। और जब ये निरंतर एक वाइब्रेशन मार्केट में बना रहेगा तो डेफिनेटली हम वहीं पर जगह तो निकाल ही देंगे। दूसरी एक बात उसमें है, आप देखें कंसिस्टेंस फोकस टूवर्ड अवर गोल। हम लोग निरंतर हमारा जो भी एक लक्ष्य है उसी लक्ष्य पर पूरी स्मार्ट की टीम निरंतर बनी रहती है, और हम मानते हैं कंसिस्टेंसी इज द रूट ऑफ सक्सेस। आज मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगा। देखिए आज चिराग भाई ये पानी का बोतल है, कई बार हम सब ने सुना है और आपने भी सुना होगा कि पानी में पत्थर को तोड़ने की क्षमता है। True. पर आपने कभी भी ये नहीं सुना है कि किसी भी पानी ने ये बोतल को तोड़ दिया। क्यों नहीं तोड़ा? जब इतना एक सॉफ्ट पानी इतना हार्ड पत्थर को तोड़ देता है, पर ये प्लास्टिक को नहीं तोड़ पा रहा है। क्यों? इसीलिए नहीं तोड़ पा रहा है कि स्ट्रेंथ पानी में नहीं है, क्षमता पानी में नहीं है, क्षमता निरंतर बहता हुआ पानी में है, कंसिस्टेंसी। तो हम हमारे लक्ष्य और ध्येय के प्रति निरंतर बने रहते हैं और पूरी टीम निरंतर कुछ ना कुछ एक वाइब्रेशन लाती रहती है, और उन्हीं वजह से हम पूरी ये जर्नी जो आपने देखी कि इस तरह का ग्रोथ हम लेके कंटिन्यूस आगे बढ़ते जा रहे। आपने नितेश ताला 2.0 की बात की, तो आपके लीडरशिप प्रिंसिपल्स क्या हैं? जब आप पूछ रहे हो कि लीडरशिप, तो मेरे हिसाब से लीडरशिप इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। मेरा पद क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, उसी के आधार पर लीडरशिप नहीं। लीडरशिप इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माय लुक। मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, किस घड़ी पहन रहा हो, उसी के आधार पर नहीं। लीडरशिप इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। मेरा ऑफिस कितना बड़ा है, मेरा वेयरहाउस कितना बड़ा है, कितने मेरे आंकड़े और फिगर्स बड़े हैं टर्नओवर के मामले में या तो बिजनेस के, उसके आधार पर लीडरशिप नहीं। लीडरशिप ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसॉफी। लीडरशिप एक विचारधारा है। लीडरशिप ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड, एक स्वभाव के आधार पर लीडरशिप।
और ये लीडरशिप जो भी हम सब लोग हैं, हर कोई व्यक्ति में ये लीडरशिप निखर सकती है। ये एक हमारा स्वभाव होना चाहिए। आज देखिए हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं घटती है, यदि उसमें हम एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट दिखाए, जो भी मैटर और मोमेंटम चल रहा है उसमें दो कदम आगे रहकर यदि उसी काम में कुछ हमारी तैयारी दिखाए और उस तरह का यदि हमारा स्वभाव है, तो मेरे हिसाब से तो यही कहूँगा कि लीडरशिप इज वन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड, इट इज वन द बेसिस ऑफ फिलोसफी। सो व्हाट इज योर रोल इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? देखिए बीइंग अ लीडर मेरी भूमिका ये रहती है कि प्रोवाइड एन सच एनवायरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एनवायरमेंट का निर्माण किया जाए कि जहाँ पर लोग उनकी एबिलिटी और स्किल को अजमा कर वो खुल के काम कर सके। मुझे एक ऐसा एनवायरमेंट उनको प्रोवाइड करना है कि जहाँ पर जो भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे वो फियरलेस यानी भय मुक्त काम कर सके, वो उनकी पूरी एफिशिएंसी से काम कर सके, उस तरह का एनवायरमेंट मुझे उसको प्रोवाइड करना है। और यदि मैं उसको इस तरह का एनवायरमेंट प्रोवाइड करता हूँ तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के हर कोने में एक इम्प्रूवमेंट एंड सुधार दिखेगा। देखिए आज चिराग भाई, हर लोगों के अंदर कोई ना कोई स्किल इन खूबियाँ रहती रहती है। बीइंग अ लीडर हमारा काम है उनकी जो भी स्किल और एबिलिटी है उसको एक निखार देना, उसकी स्किल और एबिलिटी को शार्पन करना कि जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। तो मैं एक ऐसा एनवायरमेंट प्रदान करने का काम कर रहा हूँ जिससे लोगों में डेली कुछ ना कुछ सुधार होता रहे। इन कहते हैं ना कि डेली स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स गिव द स्टनिंग रिजल्ट, रोज के सूक्ष्म सुधार भी अद्भुत परिणाम निकाल कर आ सकता है। ठीक वैसे ही मैं तो कहूँगा स्मार्ट लेबोरेटरीज जो भी आप देख रहे हो तो ये उसी का ही नतीजा है। सो यू एक्सप्लेन दिस वेरी नाइसली। इन बिजनेस विच एलिमेंट्स डू यू रियली बिलीव इन? चिराग भाई, आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन पीपल पावर, लोगों की शक्ति में पूर्ण विश्वास। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ चिराग भाई। ये सौर का उजाला जो है, यदि उसी सौर के उजालों को मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए किसी एक चीज के ऊपर यदि हम केंद्रित करा दे तो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी हम आग को खड़ी कर सकते। वेरी ट्रू। यहाँ पर हुआ क्या कि जो भी एक सौर ऊर्जा या तो जो भी एक एनर्जी थी, उसी एनर्जी को कोई एक डायरेक्शन में, एक फोकस में, एक ही जगह पे केंद्रित करवाया गया और जिसकी वजह से हम आग पैदा कर सकते। ठीक वैसे ही पीपल पावर, लोगों की शक्ति। आज लोगों में एक ऐसा पावर है, यदि उसी पावर को कोई एक दिशा, एक डायरेक्शन के ऊपर यदि आप केंद्रित करवा देते हो ना, तो किसी भी जगह पर एक फोर्स जनरेट हो जाए और किसी भी जगह पर ये पीपल जो है ना एक वाइब्रेशन ला सकता है, वहीं पर एक रिजल्ट निकाल ही सकता है। तो ये पावर है पीपल। तो आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन पीपल पावर, और यही एक लोगों की जो शक्ति है उसी शक्ति को कोई एक ही डायरेक्शन या तो एक ही दिशा में केंद्रित करवा कर स्मार्ट लेबोरेटरीज उनका काम निकाल रही है। सो देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ नितेश ताला 2.0? यस चिराग भाई, आपने बताया नेक्स्ट मूव। चिराग भाई, हम लोग मतलब नेक्स्ट ईयर यानी कि अब कुछ ही दिनों के बाद यानी अप्रैल से ही हम लोग लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं स्मार्ट आइकोनिक, यानी कि स्मार्ट लेबोरेटरीज का एक दूसरा डिवीजन हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। और उसी डिवीजन के अंदर वी आर गोइंग टू इंडर अनदर 1000 स्मार्ट ईयर, हम और 1000 लोगों को हायर करेंगे। और दूसरा डिवीजन जैसे स्मार्ट लेबोरेटरीज पान इंडिया पूरे भारत के हर कोने में है, स्मार्ट का प्रतिनिधि यानी स्मार्टियन जैसे हर कोने में है, ठीक वैसे ही स्मार्ट आइकोनिक का भी स्मार्ट ईयर ईच एंड एवरी जिला और ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में होगा। सो हम स्मार्ट आइकोनिक को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। मेरे नजरिए से स्मार्ट आइकोनिक, आज देखे स्मार्ट लेबोरेटरीज एक, स्मार्ट आइकोनिक एक, तो एक प्लस एक मैं दो नहीं देख रहा हूं,
पर एक के साथ और एक, मैं इसको 11 के रूप में देख रहा हूं। मुझे दिखाई पड़ रहा है एज एक सिंक्रोनाइजेशन में देखे और उसकी जो असर मिलने वाली है और जिससे हमारा एक प्रोग्रेस और ग्रोथ होने वाला है, वो 11 के बराबरी हमारा आने वाले दिनों में ग्रोथ होना तय है। आई कैन टोटली फील द वाइब्रेशंस दैट यू रिलीज राइट नाउ बाय दिस अनाउंसमेंट। व्हाई शुड पीपल जॉइन स्मार्ट लेबोरेटरीज? यस, स्मार्ट लेबोरेटरीज को लोग क्यों ज्वाइन करेंगे? बहुत सारे कारण है, पर कुछ कारण मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें सबसे बड़ा रीजन मनी मोटिवेशन। चिराग भाई, दुनिया में सबसे बड़ा कोई मोटिवेशन है तो वो है मनी मोटिवेशन। आज बातों से लोगों को 2, 5, 10 दिन उत्साहित आप रख सकते हैं, पर यदि कंसिस्टेंसी में राउंड द टाइम कुछ ना कुछ महीने या तो साल के बाद कंटिन्यूसली यदि आप किसी व्यक्ति को ग्रोथ दिला सकते हो, या तो वो ग्रोथ कर सके ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान कर सकते हो कि जिससे उसकी सैलरी, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट या तो प्रमोशन में बहुत ही तेजी से एक रफ्तार दिखे, तो हर कोई व्यक्ति स्मार्ट लेबोरेटरीज को ज्वाइन करना चाहेगा। क्योंकि देखे, स्मार्ट लेबोरेटरीज का ग्रोथ जो हमने अभी कुछ समय पहले ही डिस्कस किया अगले सवालों में, कि ये ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 25% ग्रोथ से कंसिस्टेंसी में 16 साल से चलता आ रहा है। लास्ट 5 साल की हमने बात करी CAGR कि नियरली 40% के ग्रोथ के साथ हम जा रहे हैं, और लास्ट कुछ 2 साल की बात हम करें कि जहां पर 180 करोड़ के बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर सीधा ही 92 करोड़ का ग्रोथ लाना एक ही साल में 272, और उसी 272 करोड़ के ऊपर अगेन 50 करोड़ का ग्रोथ लाना और 320 से भी आगे निकल जाना, तो ये एक ग्रोथ में बहुत ही बड़ी रफ्तार है। जहां जहां ग्रोथ वहां वहां गेन। ग्रोथ की दूसरी परिभाषा ही गेन है। आज देखिए, कोई बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार की सेवा नहीं कर सकता। किसी की यदि सेवा करनी है ना, तो उसके लिए स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्वस्थ एंड तंदुरुस्त कैसे कहलाता है? उसकी तरक्की, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ के आधार पर कहलाता है। आज खाली जेब कौन किसका पेट भरने का काम करेगा, आप सोचो। तो ग्रोथ के बिना गेन संभव नहीं है। ग्रोथ के बिना आपके साथ जुटे हुए लोगों में भारी रूप से गेन करवाना भी संभव नहीं है। प्रैक्टिकली देखे तो यही है। तो आज जब एक ट्रेमंडस ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और ये ट्रेमंडस ग्रोथ कहीं ना कहीं स्मार्ट के साथ जुटे हुए लोगों की अर्निंग में बढ़ोतरी करने का काम कर रहा है, यहाँ पर मैं चिराग भाई एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा जो मेरा खुद का अनुभव है। व्हाट आई फेल्ट देयर। देखिए चिराग भाई, हमारा बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है, तो ऑब्वियस है कि हमारा बैंक के संपर्क में आना जाना रहता होगा। तो मैं HDFC बैंक में जा रहा था, कोई एक व्यक्ति कि जिसने एक जूनियर लेवल पे HDFC बैंक को ज्वाइन किया, कुछ ही समय के बाद पता चला कि पर्सन इज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर। कुछ समय के बाद पता चला कि पर्सन जो है वो RM बन चुका है, रिलेशनशिप मैनेजर बन चुका। और कुछ ही समय के बाद पता चला कि वो भाई साहब का ट्रांसफर किसी तहसील यानी तालुका में हुआ, और वहां वो भाई उसी बैंक का ब्रांच मैनेजर बन गया। अब देखिए, 2 साल के भीतर कोई एक व्यक्ति जूनियर लेवल पे ज्वाइन कर रहा है और 2 साल में किसी बैंक का ब्रांच मैनेजर बन रहा है, तो सरल है, क्यूरियोसिटी होगी, एक्साइटमेंट होगा हमें भी। मैंने उस भाई साहब को कॉल मिलाया कि ब्रदर, आप बताइए कि विद इन 2 ईयर आप ब्रांच मैनेजर बने कैसे? रियली उनके शब्द ये थे कि नीतीश भाई देखो यार, HDFC तरक्की और प्रोग्रेस इतना कर रही है, निरंतर इतनी सारी ब्रांचेस ओपन करती जा रही है, तो उसको लोग तो चाहिए, पीपल चाहिए, टीम चाहिए। तो आज इसी पहलू को हम अंडरस्टैंड करें
कि इस व्यक्ति का ब्रांच मैनेजर पर पहुंचना व्यक्ति की एबिलिटी का है, स्किल का है, या फिर HDFC का एक ट्रेमेंडस ग्रोथ का है कि जहां पर बैंक को हर समय पे कुछ ना कुछ लोग चाहिए। तो ठीक वैसे ही आज स्मार्ट लेबोरेटरीज की इतनी एक रैपिडली ग्रोथ कर रही है, तो हर साल कुछ ना कुछ नया एजेंडा, नया मिशन, नया प्लानिंग, नया डेवलपमेंट लेकर निरंतर आ रही है। तो ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुटे हुए हर लोगों का ग्रोथ होना तय है। तो आज यहाँ पर एक कारण मैंने बताया, मनी रूपी मोटिवेशन और उसकी अपॉर्चुनिटी स्मार्ट में खूब। दूसरा रीजन, वी बिल्ड द पीपल, हम लोगों को निर्माण कर रहे, यानी कि लोगों की एक करेक्टरिस्टिक का निर्माण करना। कैसे हम लोगों का निर्माण कर रहे? हम ऐसा नहीं है कि डायमंड ही खोज रहे, हम जो भी व्यक्ति हमारे फ्लोर पर आया है, वी मेक देम डायमंड, हम उसको डायमंड बनाते। आज देखिए स्थिति स्मार्ट के फ्लोर पर ऐसी है, इस स्मार्ट में जो भी व्यक्ति या जो भी लोग काम कर रहे हैं, उसको एक डिसिप्लिन में काम करना होता है। तो मैं ये कहूँगा कि स्मार्ट लेबोरेटरीज और इसी फ्लोर पर जो भी व्यक्ति आता है, तो कंपनी उसको एक डिसिप्लिन में चला रही है, और जैसे जैसे वो डिसिप्लिन में चलता जाता है, अच्छी आदतों के साथ वो जुड़ता जाता है, उसी व्यक्ति में अच्छाइयाँ बढ़ती जाती है और अल्टीमेट उस व्यक्ति की करेक्टरिस्टिक का निर्माण बनता है। आज देखिए पैसा तो हर जगह पे लोगों को मिलता है, पर स्मार्ट एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पर पैसा तो है ही है, पर साथ में लोगों को सिखाया जाता है, उसको बिल्ड किया जाता है, उसकी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर खड़ा किया जाता है। तो ये हुआ दूसरा रीजन। एंड थर्ड मोस्ट पॉइंट, स्मार्ट लेबोरेटरीज का कल्चर। आज स्मार्ट लेबोरेटरीज हमारी टीम यानी कि स्मार्टियन, तो मैं ये कहूँगा कि स्मार्ट लेबोरेटरीज का कल्चर स्मार्टियन सेंट्रिक है, साथ में कस्टमर सेंट्रिक, यानी कि टीम सेंट्रिक एंड कस्टमर सेंट्रिक, इस तरह का कल्चर हमारा है। आज जब मैं कहूँगा कि स्मार्टियन सेंट्रिक कल्चर, यानी कि कंपनियों में जो भी नीति विषय डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी स्ट्रेटेजिकल मूव ली जाती है, हर मूव के अंदर उसी डिसीजन में या तो उसी निर्णय के अंदर स्मार्टियन को देखा जाता है, इसी डिसीजन से मेरे स्मार्टियन को क्या लाभ हो रहा, इसी मूव से मेरा स्मार्टियन कैसे आगे बढ़ पाएगा, उसकी अर्निंग और कमाई में कैसे बदलाव होगा, साथ में उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करना कि जहाँ पर स्ट्रेस फ्री, भय मुक्त, खुल के उसकी जो भी स्किल और एबिलिटी से वो काम कर सके। सो दीज आर द रीजन कि यहाँ पर स्मार्ट लेबोरेटरीज को लोग ज्वाइन करें। आज स्मार्ट लेबोरेटरीज के फ्लोर पर मोर देन 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 से अधिक लोग। दे आर हैप्पी विथ अस, दे आर सेटिस्फाइड। हमारे साथ 1300 स्टॉकिस्ट काम कर रहे हैं, दे आर हैप्पी विथ अस, दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द स्मार्ट। तो कहीं ना कहीं जब लोगों को पता चलता है ना कि स्मार्ट में वैकेंसी है, यही लोग अपना नियर एंड डियर, क्योंकि वो खुश है, तो उसके आसपास में जो कोई लोग है उनको भी वो रिकमेंड करता है कि भाई स्मार्ट में वैकेंसी निकली, तू ज्वाइन कर। आज हमारा स्टॉकिस्ट भी बहुत सारे लोगों को स्मार्ट में ज्वाइन कराने के लिए भेजते जब भी उसको पता चला कि वैकेंसी हुई, क्योंकि यहाँ पर लोग राह देखते हैं कि स्मार्ट में कब जगह हो और मैं वहीं पर पहुंचूं। सो मैं पूरा एक कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि जो मैंने कहा ना कि हम नई 1000 वैकेंसियाँ लेके आ रहे हैं, पर उसके लिए मतलब फट ऐसे ही पूरा जल्दी से जल्द भर जाने वाला है। टेल अस व्हाट इज द बिजनेस विजन ऑफ स्मार्ट लेबोरेटरीज। यस, स्मार्ट लेबोरेटरीज का यदि बिजनेस विजन की बात करें तो चिराग भाई क्लियर है, अचीविंग 4-digit माइलस्टोन, यानी कि 1000 crore, 1000 crore के बिजनेस को अचीव करना, वो हमारा विजन है। और ये विजन भले आज नितेश ताला का ये विजन है, पर कुछ दिनों के बाद हमारा एनुअल मीटिंग और जिसको हम कहते हैं उत्साह, हमारा अप्रैल महीने में हमारा उत्साह आ रहा है,
और उसी उत्साह होने के बाद ये जो 4-digit माइलस्टोन यानी कि 1000 crore का विजन जो नितेश ताला का है, वो विजन पूरी स्मार्ट टीम का बन जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्मार्ट टीम इसी विजन को अचीव करेगी ही। नितेश सर, विजन तो आपने बता दिया और विजन बहुत जबरदस्त है, ये बताइए कि कैसे ये विजन को अचीव करने के लिए जो फिनांस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सारी ऑर्गेनाइजिंग पावर लगेगी, वो कैसे होगा? चिराग भाई, इसको भी मैं एक उदाहरण दे के समझाना चाहूँगा, थोड़ा फनी जैसा लगेगा वो लॉजिकली फिट है। देखिए चिराग भाई, मेरा जब जन्म हुआ तब मैं 3 kg का था और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मोर देन 80 kg का हूँ। मेरा जन्म हुआ तब मैं 3 kg का था, वो भी वास्तविकता है, और आज मैं मोर देन 80 kg के साथ आपके सामने बैठा हूँ, वो भी वास्तविकता है। पर यदि आप मुझे ये पूछे कि नितेश भाई 3 kg से आप 80 kg के कैसे बने, तो मुझे वो पता नहीं है, ना तो मेरा ध्यान रहा कि मैं कैसे 3 kg से 80 kg हो गया। पर हाँ, मैं जरूर ये कह सकता हूं, मेरा ध्यान इसीलिए नहीं रहा, मुझे इसीलिए पता नहीं चला कि मैं 3 kg से 80 kg का कैसे हो गया, बिकॉज आई ग्रोन ग्रेजुअली, मैं धीरे 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 बढ़ता गया तो मुझे पता भी नहीं चला और आज मोर देन 80 kg का नितेश ताला आपके सामने बैठा। ठीक वैसे ही आज मैं कोई ओवरनाइट मैजिक करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि कल ही ये 1000 crore हो जाएगा या तो अगले साल ही 1000 crore हो जाएगा, पर हम ग्रेजुअली ऐसे ही चलते गए तो बहुत ही जल्द 4-digit माइलस्टोन को हम अचीव करेंगे। दूसरी बात कि आज देखिए, स्मार्ट लेबोरेटरीज की शुरुआत 2008 में हुई, वेरी एक नॉमिनल राशि से हमने स्मार्ट लेबोरेटरीज की शुरुआत करी। आज 2, 5, 10 लोग धीरे धीरे चलते गए और इतना बड़ा काफला आज बन गया। जब हमारे पास इस मार्केट को लीड करने का अनुभव नहीं था, मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, मैंने कहीं पर जॉब नहीं किया, मार्केटिंग का एम तक मैं नहीं जानता था, मुझे मार्केटिंग का अनुभव नहीं है, मेरे पास उस समय पे उतनी ढेर कोई राशि नहीं थी, वेरी एक नॉमिनल राशि से हमने स्मार्ट लेबोरेटरीज की शुरुआत की थी, ना कोई इतनी बड़ी फोर्स थी। इन स्थिति में भी यदि हम 300 पार कर लेते हैं तो आज तो मेरे पास क्या काफी कुछ है। आज देखिए 16 साल का तो मेरा अनुभव, चिराग भाई मेरे लिए तो बात ऐसी बन रही है कि जब आप कोई एक पहाड़ को आप चढ़ते जाते हो, तो जब आप पहाड़ को चढ़ते जाते हो तब एक ही तरफा पहाड़ आपको दिखता है, पर जब उस पहाड़ की टोच पे पहुंचते हो ना, तब दूसरे साइड का भी पहाड़ आपको दिखाई पड़ता है। जब एक साइड से आप चलते जाते हो तब आप अपने आप को यही मानते हो कि यही पहाड़, यही उसकी टॉर्च, पर जब वहां पर पहुंच जाते हो और वहीं से जब ब्रॉड व्यू में देखते हो तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। मैं तो यही कहूंगा, 2008 से चलते चलते मैं यहां पर पहुंचा तो आप ऐसा समझिए कि अब मैं किसी पहाड़ की पीक पे पहुंचा हूं, अब मुझे वहां से ब्रॉड व्यू में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां मुझे दिखाई पड़ रही, यानी कि मैं जैसा था उससे कई गुना अधिक मैं मैच्योर हो चुका हूं, जितना था उससे कई गुना अधिक मेरे पास एक्सपीरियंस है, साथ में निष्ठावान एंड समर्पित लोग मेरे साथ, मोर देन 1000 लोगों की टीम है, 1300 एक डेडिकेटेड ट्रस्ट वर्थी स्टॉकिस्ट मेरे साथ जुटे हुए हैं, 22 से अधिक CFA है, 500,000 रिटेलर तक की हमारी रीच है, इतनी सारी चीजें जब हमारे साथ हो
तो हमें करना क्या है? जस्ट गिव देम अ डायरेक्शन, सिर्फ एक दिशा देनी है, उसके सामने कुछ कारण रखना है, बस लोग काम करने के लिए तैयार है। जब इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को कोई एक दिशा, एक डायरेक्शन में यदि फोकस करवा दिया जाए, वहीं केंद्रित करवा दिया जाए, तो बस ये थाउजेंड तो फट फट होना है चिराग भाई। इट डेफिनेटली इट गेट डन, ये हमारा विजन है, ये स्मार्ट विजन है, ये स्मार्ट टीम का विजन आने वाले उत्साह में ये बन जाएगा चिराग। हर एक एक स्मार्टियन योद्धा ये थाउजेंड क्रोर बोलना शुरू कर देगा, देखिएगा। चलिए, काफ़ी इंस्पायरिंग बातें आपसे सुनी जानी। जितना मैं आपको जानता हूँ या कोई भी जो आपको जानता है, ही इज 100% श्योर कि 1000 करोड़ आपके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू फ्रेंड्स।